चंबल डैम से सतलुज दरिया में भारी मात्रा में पानी छोड़ने से सतलुज पूरा उफान पर है, जिससे सतलुज दरिया के किनारे पर बसे लोगों में भय का माहौल है। बता दें कि आज सतलुज में 24,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नंगल के बाबा उदो मंदिर के निकट सतलुज दरिया के किनारे लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि नंगल डैम में सतलुज दरिया में भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है और लोग क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी से कुछ पल निजात पाने के लिए सतलुज दरिया के किनारे का रुख कर रहे हैं। बीवीएमबी मैनेजमेंट ने एक साइन बोर्ड भी सतलुज दरिया के किनारे लगा रखा है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है कि सतलुज दरिया के किनारे से दूर रहें, क्योंकि किसी भी समय सतलुज में पानी बढ़ सकता है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना लोग भारी तादाद में इस नज़ारे का लुत्फ उठाने वहाँ पहुँच रहे हैं। उधर सतलुज दरिया के किनारे बसे गांवों के लोगों में आजकल के दिनों में इतना पानी देखकर भय का माहौल बना हुआ है। बीवीएमबी अधिकारियों की माने तो सतलुज दरिया में 24,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि नकिया पावर हाउस में आई तकनीकी खराबी के कारण श्री अनंतपुर साहिब हाइडल नहर को बंद किया गया है और श्री अनंतपुर साहिब हाइडल नहर का पानी जो 10,500 क्यूसेक होता है वो भी सतलुज दरिया में ही छोड़ा जा रहा है। हाँ जी, पानी देखना है इसमें से। कितना महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये गर्मी का नाम निशान नहीं है, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। स्पेशल पानी देखने के लिए। हाँ जी, मतलब यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना सा हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम खूब इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम में और ये हट के ही है। आगे हम आते हैं, यहाँ पे तो काफ़ी कम होता है, लेकिन अब की बार पानी तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया लग। बता दें, विश्व प्रसिद्ध भाखड़ा डैम का जलस्तर आजकल 1585.23 फुट दर्ज किया गया है, जबकि झील में पानी की आमद 48,018 क्यूसेक दर्ज की गई है। अगर झील से पानी छोड़े जाने वाले की बात करें तो झील से 37,080 क्यूसेक पानी छोड़कर 253.80 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।